जिले में बीते अनेक दिनों से जारी बिजली टावर लाइन के कार्य से बाधित किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिए जाने से खफा शिवसेना के विधायक बालू धानोरकर ने गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष हजारों कार्यकर्ताओं एवं किसानों के साथ मुंडन तथा बेमियादी अनशन शुरू किया। इसकी पूर्व जानकारी उन्होंने प्रशासन को दी थी, बावजूद समस्या का समाधान नहीं निकाले जाने के कारण यह आंदोलन किया गया। गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में टावर लाइन बिछाने के मामले में सरकार की नीति का विरोध जताया। शिवसेना विधायक की मांग है कि टावर लाइन से बाधित जिले के किसानों के हित में जल्द से जल्द मुआवजा तय कर उन्हें राशि प्रदान की जाए। इस समय विधायक बालू धानोरकर ने जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहने की बात कही। आंदोलन दौरान विधायक बालू धानोरकर समेत अन्य कार्यकर्ता और किसानों की इस समय उपस्थिति रही। भूमिका ये मुंडन और उपोषण का आंदोलन है। वरोरा पद्रावती क्षेत्र में एक 33 केवी का ट्रांसमिशन केंद्र बनाया गया। यवतमाल जिला और चंद्रपुर जिले से 2500 किसान बाधित है, जिनके खेतों से टावर गई है, जिनके खेतों से लाइन गई है, जिनके खेत बाधित है, उन किसानों को राज्य सरकार का एक सर्कुलर है 21 मई 2017 का, उसके तहत उसको मुआवजा मिलना चाहिए। पर यहाँ का प्रशासन और वो ठेकेदार उनको मुआवजा देते नहीं, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। ये जो लाइन जा रही है ये वाणिज्य व्यापार के लिए, बिजनेस पर्पज व्यापार के लिए है। हमारा कहना ये है कि लोगों को, ठेकेदारों को, प्रशासन को कि गवर्नमेंट ये जमीन जो एक्विजिशन कर रही है, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन लेके जा रही है, तो इसका मुआवजा भी वाणिज्य कृषक रेट से होना चाहिए। तो इसके कारण ये हमारी लड़ाई है, जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा या उपोषण नहीं हटेगा।